क्वेश्चन सुन के सर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कसा का है, हेलो और वेलकम, वेलकम। भाई कातली राजापुर से राहिद फकीर मोहम्मद सोलकर, आप सबका आरके स्पोर्ट्स कोना सुरे संगमेश्वर चैंपियंस ट्रॉफी सीजन वन, ये आखिरी नाइट का ये पहला सेमीफाइनल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कसा का, हेलो एंड वेलकम, वेलकम। मैं राहिद फकीर मोहम्मद सोलकर, आप सबका संगमेश्वर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो अभी लास्ट दो दिन से मैं संगमेश्वर में हूँ, आर के स्पोर्ट्स कोण असुर डे चैंप संगमेश्वर चैंपियंस ट्रॉफी, यहाँ पर मैं कॉमेंट्री करने के लिए आया हूँ। आज यहाँ पर फाइनल डे होगा, जी हाँ, आज फाइनल होगा, ग्रैंड फिनाले मुकाबला होगा। सो दिन भर मैं फ्री रहता हूँ, सोचा आज मैं थोड़ा संगमेश्वर घूमूं। संगमेश्वर घूमने के बाद मैं आप लोगों को थोड़ा संगमेश्वर की सीन दिखाओ। यहाँ के कुछ अपने दो तीन सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा है कि भाई हमारे गाँव आओ, हमारे गाँव आओ, तो आज मैं जाऊँगा, देखते शूट करेंगे। और अभी मैं यहाँ पर रुका हूँ सनराइज़ में, जो कि धामनी में है। अरसलान है, बॉक्स क्रिकेट का बादशाह, मैन फ्रॉम राजापुर, जॉन्टी ये नाम से मशहूर है। सो ये अपना रूम है जहाँ पर हम रुके हैं। सो यहाँ से अब निकलेंगे बाहर, बाहर जाने के बाद पहले हम लोग नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग आगे के सीन जो भी है वो देखेंगे। तो पिछले दो दिन से अभी हम लोग यहाँ पर सनराइज फूड्स यहाँ पर रुके, लॉज भी है यहाँ पर, तो आप लोग स्टे भी कर सकते हैं धामनी संगमेश्वर से। संगमेश्वर उन कितनी किलोमीटर है? 7 किलोमीटर। ओके, धामनी संगमेश्वर से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, थोड़ा संगमेश्वर के सीन आप लोगों को दिखाऊंगा। चला तो यहाँ से जाएंगे और यही मुंबई गोवा हाईवे है। होटल मुकुंद कृपा है, जो होटल में ब्रेकफास्ट करने के लिए आए, चाहिए नाश्ता करने के लिए। और अभी टाइम देखा जाए ना तो 12:30 हो रहे, मतलब 12:30-1 बजे लोग खाना खाते हैं। अभी हम लोग आए नाश्ता करने के लिए, कॉज कल हम लोग रात में, मतलब सुबह में ही कह लो 5:30-6 बजे हम लोग सोए थे, अभी उठे हम लोग 11:30 को उठे मैं और जॉन्टी। सो अभी हम लोग यहाँ पर पहले नाश्ता करेंगे, देन आप लोगों को फिर आगे लेके जाऊँगा। चलो, पिछले दो दिन से मैं यहीं पे खा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट है यहाँ का। अगर कभी आप लोग मुंबई और गोवा हाईवे से गुजरते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आओ। हेलो, यहीं पर बैठ के अभी हम लोग आज नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, जो कुछ भी सीन रहेगा यहीं से होगा, बाकी सब बढ़िया है। 12:30 को हम लोग आए थे यहाँ पर नाश्ता करने के लिए, बट नाश्ता क्या मिला नहीं हम लोगों को, क्योंकि उन लोग बोले कि अभी ये लंच का टाइम हो गया, तो लंच है। सो अभी हम लोगों ने मंगाई ये नॉनवेज थाली है, ये चिकन है, चिकन थाली मैंने और जॉन्टी ने, तो अभी खाएंगे देन उसके बाद मिलेंगे। तो पहले खाते, और कुछ नहीं खाया अभी तक। सो होटल मुकुंद कृपा, यहाँ पर हम लोगों ने अभी खाना खाया। कस्बा एक गाँव में है, सो अभी हम लोग कस्बा में आ चुके हैं। देन सबसे पहले हम लोगों ने अरसलान के खाला से मिले। अरसलान के खाला से मिलने के बाद अरसलान की कुछ बचपन की यहाँ पर यादें हैं कि बचपन में ये यहाँ पर ये नदी है, नदी पे इन लोग नहाने जाते थे। सो वही आप लोगों को दिखा था। और वहाँ पर एक ब्रिज है जो काफ़ी अच्छा ब्रिज है। सो चलो वहाँ पर चलते हैं। और शायद जितने भी कस्बा गाँव वाले हैं उन सबकी भी इस नदी से, इस गाँव से यादें जुड़ी है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। सो ये नदी यहाँ पर है, वो घोड़ा बनेगा, ये मीठा पानी है यहाँ पर, लोग कपड़े धोने के लिए यहाँ पर आते हैं। मेरे को लगता है अरसलान जब बारिश रहेगी तो फुल होता रहेगा ना यहाँ पे, सब डूब जाता है पूरा, ये पूरा डूब जाता है। एंड ये ब्रिज है ना, ब्रिज में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ये ब्रिज। सो ज़रूर अगर मेरे को वहाँ पर भी जाना हुआ तो ज़रूर वहाँ पर भी जाऊँगा मैं। हाँ, बहुत पुराना ब्रिज है ना अभी। ये यहाँ पर नदी जो मीठे पानी की नदी है। नल भी काफी पुराना लग रहा है मेरे को। चलो यहाँ से चलते आगे। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये तालाब मस्जिद है, जो कि काफी खूबसूरत मस्जिद है ये। तो आज अपने साथ में अपने को कस्बा गांव घुमाने के लिए उजैर नायकोड़े ये रहने वाले, पूरा कस्बा गांव आज इनके साथ घूमने वाले हैं।
चलो चलते हैं। फिर भी कमेंट्री करता है, कल हम लोगों की कमेंट्री में पहचान हुई, मेरे साथ में कमेंट्री कर रहा था तब हम लोगों की पहचान हुई। और मेरे राइट भाई तुम्हारे हर वीडियो लाइक शेयर करता हूँ मैं, थैंक यू। और आपकी दरगाह है कब्रिस्तान कस्बे गांव का, और अभी हम लोग जाएंगे दखनी मोहल्ले के अंदर जाएंगे, और आप लोगों को पहले सबसे पहले दखनी मोहल्ला दिखाता हूँ। आज कस्बा गांव वाले हैं जरूर ये वीडियो देख के उनको अपने गांव की याद आएगी। गर्मी इतनी ज्यादा है ना यार, मैंने ऐसा सुना है कि संगमेश्वर में ठंडी भी बहुत होती है और जब गर्मी का टाइम आता है तो गर्मी भी बहुत होती है, मतलब ठंडी में भी बख्शिश नहीं है और गर्मी भी नहीं है, बारिश में तो यहाँ पे पूछो ही मत। देखो ये सब घरों की बात कर रहा था मैं आप लोगों को, एक ही डिजाइन के सब घर आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो मस्जिद आप लोग देख रहे हैं ये कौन सी मस्जिद है? मीनारा मस्जिद। मीनारा मस्जिद, ओके। तो ये जो मस्जिद में हम लोग आए हैं ना काजी मोहल्ला में, ये मीनारा मस्जिद है। टोटल कितने मस्जिद है कस्बा में? टोटल आठ। आठ आठ मस्जिद है, ओके। टोटल आठ मस्जिद है कस्बा में, और आप लोग अभी ये देख रहे हैं ना मीनारा मस्जिद है, बेहद ही खूबसूरत ऐसी मस्जिद है ये। सो अभी हम लोग कस्बा है, देखो आप लोग देख सकते कस्बा ये गाँव में है, संभाजी महाराज ऊपर भी जा सकते हैं। मंदिर है ना कर्णेश्वर मंदिर, तो एक दिन में यहाँ पर बनाया गया है, एक दिन में बनाया ना पूरा ये। जो आप लोग देख रहे हैं शास्त्री ब्रिज, बहुत ही पुराना ब्रिटिश कालीन ब्रिज है, अभी नया बन रहा है, और अभी यहाँ पर ये नया ब्रिज। तो ये ब्रिज का नाम क्या होने वाला है? शास्त्री। ओके, तो ये ब्रिज का नाम भी शास्त्री ब्रिज ही होने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ से सिटी में जाएंगे। ये संगमेश्वर का बस स्टैंड है, लाल परीचा प्रवासानी, लाल परीचा प्रवासानी, और ये यहाँ पर देवरुख रोड। संगमेश्वर सिटी को मैंने अब तक बाहर से ही देखा था, आज पहली बार मौका मिला है कि अंदर से देखने का। तो एक राजापुर वाला फील आ रहा है मेरे को, जब राजापुर में हम लोग अंदर बाजार से जाते हैं ना, तो वो वाला फील आ रहा है मेरे को संगमेश्वर सिटी का, ये संगमेश्वर। सुबह टाइम हो रहा है 2:45 हो रहा है, और अभी हम लोग फिर से एक बार रूम पे आ चुके हैं, अभी हम लोग थोड़ा आराम करेंगे बिकॉज नाइट मैच है तो थोड़ी नींद लेना पड़ेगी। सोचा था बड़े अरमानों के साथ विराट कोहली की बैटिंग देखूंगा, बट विराट कोहली की बैटिंग क्या जीरो पे आउट, गोल्डन डक के शिकार फिर एक बार, तीसरी बार जॉन्टी गेम खेल रहे हैं, कर रहा हूँ। आराम करने के बाद हम लोगों ने एक इनिंग देखी, बैटिंग देखी आरसीबी की, देन अभी हम लोग नीचे आए हैं चाय पीने के लिए, और चाय काफ़ी अच्छी लगती है यहाँ पर, चाय साथ में जॉन्टी भाई पेरे चाय। सो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, सो यहाँ से अभी 7 बजे ना 7 का टाइमिंग दिया था हम लोगों को वहाँ पर जाने का, तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे। आज दो सेमीफाइनल और फाइनल मैच है, यहाँ से मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। सो आज फाइनल नाइट, ग्रैंड फिनाले नाइट है आज की, हाँ आज के दिन में फाइनल मैच हो गए, दो सेमीफाइनल मैच है। आरके स्पोर्ट्स कोन असुर डे प्रेजेंट संगमेश्वर चैंपियंस ट्रॉफी, ये संगमेश्वर नगरी में ये पहली ही बार चैंपियंस ट्रॉफी रखी गई, और काफी अच्छा आयोजन किया गया है इस टूर्नामेंट का। अपना महत्वपूर्ण योगदान या ठिकाणी दिले, त्यांचा आपण या मंचावरती यथोचित सन्मान करत आहोत।
थैंक यू रोशन सिंह सर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कसा का है, हेलो और वेलकम, वड़कम। मैं कातली राजापुर से राहिद फकीर मोहम्मद सोलकर, आप सबका आरके स्पोर्ट्स कोरोना सुरे संगमेश्वर चैंपियंस ट्रॉफी सीजन वन, ये आखिरी नाइट का ये पहला सेमीफाइनल मैच। रोहित कर सलामी के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए, मैन फ्रॉम गुहागर, गुहागर एक तरफ अगर देखा जाए तो गुहागर के बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइक एंड पर फिरोज, और गेंदबाजी करते हुए श्रीयश। फिर एक बार अगली गेंद टैप करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, संपर्क होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये आज ग्रैंड फिनाले नाइट है, ये पहला सेमीफाइनल मैच है। कुंदन रोहित कर ऑन स्ट्राइक, जी हाँ, श्रेयस की गेंदबाजी को सामना करते हुए पहला सेमीफाइनल, पहला ओवर का मैच चलता हुआ। अरोली ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय। इस बीच फिर एक बार कुंदन रोहित कर, दो बार नाकाम, तीसरी बार कामयाब, गेंद गई है, 1 2 3 4 चौका। इस चौकी की मदद से टीम का खाता खोला, 4 रन टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लग चुका है, 3 गेंदे हो चुकी है, आने वाले 3 गेंदों को खेल बचा है। श्रेयस गेंदबाजी करते हुए एक बार कुंदन, नो बॉल अंपायर का इशारा, क्रिकेट का 21वां क्रमांक नियम लागू हुआ। इस नो की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 5, हाथों की उंगलियां 5, टीम का स्कोर 5, पांडव सुधा होते 5, जी टीम का स्कोर 5 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। सलामी के बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए एक तरफ कुंदन तो दूसरी तरफ फिरोज, और श्रेयस गेंदबाजी करते हुए अरोली की ओर से पहली ओवर का जिम्मा लेकर आए। इस बीच फिर एक बार अच्छा शॉट, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, आरके स्पोर्ट्स कोर्ट असुरड़े चौका। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, 9 रन स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। कुंदन रोहित कर बीच मैदान पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए, गुहागर का ये खिलाड़ी आज संगमेश्वर नगरी में खेलने के लिए आया। बीच फिर एक बार लोगों पर टॉस, दिशा की गेंद ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ ये शॉट जब लग चुका है। फिर एक बार अभिनव, ओहो, बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है, फिरोज जैसा बल्लेबाज, बॉक्स आउट, ओ यू टी, आउट होकर वापस जाना पड़ेगा। ये बड़ा खतरा, ये बड़ी मछली आईसीसी महापारी माहौल ने, ये पंतोने का खिलाड़ी वापस जाएगा सस्ते में, 1 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 12। आज की वीडियो इधर ही खत्म हुई, वीडियो यहाँ से खत्म होती है, बेस्ट कमेंटेटर के अवार्ड से खत्म होती है। जी हाँ, 3 दिन पिछले मैं संगमेश्वर में था, ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। काफी अच्छा प्यार मिला संगमेश्वर ये गाँव में, इस मैच में जो फाइनल जीते वो आईसीसी महापारी मोहल्ला संगमेश्वर, और रनर अप जय हनुमान कुंभार की टीम रनर अप आई। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, एक कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट्री पसंद आई ना? अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि संगमेश्वर जैसे कोण असुरडे गांव में मुझे यहाँ पर कमेंट्री करने के लिए इन्वाइट किया, इन सबों ने किया, इतना प्यार दिया। पिछले 3 दिन में यहाँ पर था, बहुत ज़्यादा प्यार दिया इन सब ने, कोण असुरडे गाँव, ऐसे ही जब फ्यूचर में टूर्नामेंट होते रहे, अपने को बुलाते रहे, बस यही उम्मीद रहेगी, बस यही दुआ रहेगी। सो अच्छा लगा आप सबसे मिलके, न स्वप्नारी एखादी स्वप्नाची सुंदर माळ असावे, साथ न सुटेल असा आधार असावे, आणि ना मागता ही साथ देणारे तुमच्यासारखे चांगले माणसं असावे। तो आज की वीडियो इधर ही खत्म हुई, कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। क्या बोलते हैं, खुदा हाफिज, मिलते वापस अगली वीडियो में। What?